Hello everyone. Now it's time for your favorite subject, computer. And in computer, in the last video, we had started the first chapter, Computer, a Smart Machine. How is the computer and what can we do with the computer? और कंप्यूटर्स और ह्यूमंस वो दोनों क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था. एंड एज आई टोल्ड यू, ऑल ऑफ यू हैड रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. मतलब कि कंप्यूटर का हमें क्या फायदा होता है, उससे हमें कितने एडवांटेजेस मिलते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन एंड दैट मेक्स इट वेरी पावरफुल एंड यूजफुल. इट हैज मेनी एडवांटेजेस एज गिवन बिलो. फर्स्ट एडवांटेज दैट इज स्पीड. अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. इट कैन परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्विकली. कंप्यूटर अपना जो काम है वो बहुत ही स्पीड में कर सकता है और बहुत बड़े नंबर का भी अगर कोई भी कैलकुलेशन हो तो वो बहुत जल्दी कर सकता है. देन मेमोरी. अ कंप्यूटर हैज अ वेरी गुड मेमोरी एंड कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इट नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट. कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि याददाश्त बहुत ही अच्छी होती है और बहुत बड़ी मात्रा में उसमें जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमने उसमें एंटर की है वो सारी इंफॉर्मेशन वो याद रखता है. वो कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी भूलता नहीं है. देन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन. अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सॉफ्टवेयर. वन सच सॉफ्टवेयर इज पावर पॉइंट. You can show pictures, graphs, and even videos on the computer while the presenter speaks. This can make topics very interesting for the audience. Electronic presentation का आपके लिए सबसे बड़ा सबसे अच्छा example है कि आप जब लोग school में आते थे तो आपको जो भी आपकी मैम है वो आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाती थी. आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो या ईवीएस हो या कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाती थी. तो उसमें आपको बहुत मजा आता था ना. स्पेशली इंग्लिश के जो चैप्टर्स है तो उसका वीडियो अगर आप देखते थे तो आपको वो देखने में भी इंटरेस्ट रहता था. पर अगर आपको वो वीडियो ना दिखाए और सिर्फ आपको बोले कि आप चैप्टर बुक में से रीड कर लो तो क्या वो आपको समझ में आएगा? या उससे ज्यादा ये बोलूं कि क्या आपको वो अच्छा लगेगा? आपको रीड करने में इतना मजा नहीं आता है जितना कि आप वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे देखते हो. तो ये जो कंप्यूटर है उसका हमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन हम कोई भी टॉपिक हो तो उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि सबको वो समझ में भी आए और याद भी रह जाता है. देन ऑटोमेशन. कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑटोमेट सर्टन प्रोसेस. कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स यू हैव बॉट टू द सुपर मार्केट एंड जनरेटिंग योर बिल फॉर दोज आइटम्स इज वन सच प्रोसेस. यूजिंग अ कंप्यूटर कैन स्पीड दिस अप प्रोसेस एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर्स. मतलब कि कंप्यूटर में कुछ वर्क ऑटोमेटिक ही हो जाता है. अगर यहाँ पे जैसे सुपर मार्केट या मॉल में जाते हो तो वहां पर आप जितनी भी चीजें लेते हो तो सारे नंबर्स के जो रेट होते हैं वो सारे रेट का उसमें कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है. तो आप इमेजिन करो कि ये जो सारा कैलकुलेशन अगर आप अपने आप काउंट करके करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा. पर कंप्यूटर ये सारी प्रोसेस ये सारा कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी करता है और उसमें भी कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं. कैलकुलेशंस. अ कंप्यूटर कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड बिग नंबर्स क्विकली एंड एक्यूरेटली एंड इट विल डू दिस एज मेनी टाइम्स एज यू वांट इट टू.
कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड ऑफ डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कितने भी बड़े नंबर्स हो तो वो बहुत ही क्विकली और एक्यूरेटली मतलब कि बिना किसी गलती के वो हमें कैलकुलेट करके देता है। और वो कैलकुलेशन आप एक बार नहीं जितनी भी बार बोलोगे उतनी बार वो हमें कैलकुलेट करके देता है और उसमें उसे कभी भी बोर नहीं होता है, वो कभी बोर नहीं होता है। और एक का एक चीज बार बार हम उसको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो भी वो हमेशा की तरह हर एक टाइम पे वो हमें सही आंसर के साथ ही रिप्लाई करता है। उसके बाद टीचिंग, अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर टीचिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अ टीचर कैन शो पिक्चर्स चार्ट्स वीडियोस टू सपोर्ट हिज और हर टीचिंग। दिस कैन मेक टॉपिक्स इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि टीचिंग के लिए कंप्यूटर तो बहुत ही यूजफुल है कि अभी तो आप लोगों ने स्मार्ट बोर्ड पे तो पढ़ना शुरू कर दिया है, पर पहले तो ऐसे कोई स्मार्ट बोर्ड्स नहीं थे तो कभी भी कुछ भी पिक्चर्स या वीडियोस या कुछ भी हमें दिखाना होता है तो वो हमारे पास नहीं रहता था। तो उसके लिए बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता था, पर अभी जो ये कंप्यूटर से हम जो वीडियोस या पिक्चर्स या चार्ट्स दिखाते हैं तो उससे बच्चों को समझने के लिए इजी हो जाता है। देन लर्निंग, स्टूडेंट्स कैन यूज कंप्यूटर्स टू एक्सेस द इंटरनेट एंड गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज टू टेक नोट्स व्हाइल टीचर इज स्पीकिंग। वन कैन ऑल्सो कंप्लीट वंस होमवर्क ऑन द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे उनको कोई भी टॉपिक के लिए कुछ भी हेल्प या इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंटरनेट के जरिए उसमें इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है। और इवन जब टीचर बोलते हैं तो उस समय अगर उसको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी कंप्यूटर से ले सकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर एंड नाउ वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो उसी तरह कंप्यूटर के जितने एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो क्या है वो अब हम देखेंगे। ऑल्दो अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन इट हैज फॉलो डिसएडवांटेजेस। भले ही कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। ये तो हमने पहले भी देखा लास्ट वीडियो में भी कि कंप्यूटर अपने आप कभी भी कुछ भी सोच नहीं सकता है और अपने आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। कंप्यूटर वर्क्स ओनली व्हेन इट इज कमांडेड टू डू सो। कंप्यूटर तभी वर्क करता है जब हम उसे कोई कमांड देते हैं, तभी वो काम करता है। वो अपने आप कभी चालू होके काम करना स्टार्ट नहीं कर सकता है। Then computer does not use any information stored in it until it is asked to do so. Computer के अंदर जो भी information store की गई है वो उसको भी अपने आप use नहीं कर सकता जब तक कि उसको उसका use करने के लिए कहा ना जाए। तब तक वो computer की information जो उसने अंदर store की है वो भी वो अपने आप use नहीं कर सकता। इन शॉर्ट कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जब भी उसको जो भी कमांड दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। व्हेन यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर आर थ्रोन अवे द रिजल्ट्स इन ई वेस्ट। ई वेस्ट रिफर टू द वेस्ट दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट सच एज कंप्यूटर प्रिंटर्स एंड मोबाइल फोन्स। If such waste is not handled properly, it would release harmful chemicals that pollute the environment. So instead of throwing them away, we should safely hand them over to people trained to take care of e-waste in the right manner. जब भी हम ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं तो जब वो
डिवाइस खराब हो जाते हैं, जो हमारे काम के नहीं रहते, जो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, तो उसको हमें कहीं भी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। पर वो कुछ लोग होते हैं जो ये सारी चीजें रिपेयर करते हैं, हमें उनको ही देना चाहिए। अदरवाइज ऐसी चीजें अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसमें से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, मतलब कि खराब करते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट एनी ब्रेक और रॉन्ग पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर में लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज बैक पेन। कंप्यूटर का बहुत लंबे समय तक यूज करना और रॉन्ग पोस्चर यानी कि स्ट्रेट हम कंप्यूटर पे नहीं बैठते हैं, थोड़ा झुक के बैठते हैं, तो उसी तरह अगर हम बैठे रहेंगे तो हमें बैक पेन की शिकायत हो सकती है। कंप्यूटर वायरसेस कैन अटैक योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट एंड यू मे नॉट एबल टू ओपन योर फाइल्स प्रॉपरली और यू मे लूज ऑल द डेटा यू हैव सेव्ड। दे मे ऑल्सो प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। कंप्यूटर में हम जब इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें वायरसेस अटैक करके वो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, और उससे हमें बचाने के लिए हमें कंप्यूटर का सही यूज करना चाहिए और वायरस से हमें उसको बचाना चाहिए। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम एंड एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर्स, पासवर्ड्स एक्सेट्रा फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स। दीज इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज्ड बाय क्रिमिनल्स फॉर देयर ओन एडवांटेज। सच क्राइम्स दैट आर कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स आर कॉल्ड साइबर क्राइम्स। सो इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स यू शुड बी केयरफुल टू यूज सॉफ्टवेयर दैट विल नॉट अलाउ अदर पीपल टू स्टील इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सिस्टम। मतलब कि आप जब कंप्यूटर अपना यूज करते हैं तो आपको अपना कंप्यूटर किसी और को यूज करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती है और यही पर्सनल डिटेल का यूज करके आपको कोई भी परेशान कर सकता है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने कंप्यूटर को अच्छे से यूज करना चाहिए और किसी को यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए। अदरवाइज कोई भी आपके कंप्यूटर में से कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एंड यस, स्पेशली फॉर स्मॉल किड्स यू डोंट हैव टू यूज कंप्यूटर फॉर मेनी टाइम्स। आपको ज्यादा समय के लिए कंप्यूटर पर बैठ के काम नहीं करना चाहिए, ताकि उससे आपकी आंखें भी खराब हो सकती है और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आपका पोस्चर भी, अगर सही पोस्चर में नहीं बैठो तो वो भी आपको बैकएक का प्रॉब्लम भी हो सकता है। हियर इन दिस पिक्चर कंप्यूटर मैनर्स आर शोन। सी हियर वन बॉय सिटिंग हियर एंड ही इज ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। डू नॉट ईट और ड्रिंक ऑन द कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल पे बैठ के कभी भी खाना या पीना नहीं चाहिए। यू मे स्पिल फूड मटेरियल्स ऑन द कंप्यूटर पार्ट्स एंड डैमेज देम। अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के खाना या पीना करोगे तो उससे क्या होता है कि कुछ भी पानी गिर सकता है, या खाने की चीज जो ये कीबोर्ड होता है या माउस या किसी भी पार्ट में अगर वो गिर जाता है तो वो तुम्हारा पार्ट जो होता है कंप्यूटर का वो खराब हो जाता है। ऑलवेज कीप द कंप्यूटर टेबल क्लीन एंड टाइडी। हमें हमेशा कंप्यूटर का टेबल हमेशा क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए। ये जो सेकंड पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर का टेबल कितना नीट एंड क्लीन है। आपको ऐसे ही बैठ के कंप्यूटर पे काम करना चाहिए, ऐसे बैठ के कंप्यूटर के बाजू में बैठ के खाना पीना नहीं चाहिए। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आई विल सेंड द पीडीएफ फॉर द क्वेश्चन आंसर दैट यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।